हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और पिछले तीन चार वीडियोस से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स का, जिसका नाम है सेल्फ अटेंशन। और इस वीडियो में भी हम सेल्फ अटेंशन के ऊपर ही पढ़ाई करेंगे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। और वो क्वेश्चन ये है कि सेल्फ अटेंशन को सेल्फ क्यों बुलाया जाता है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंटरव्यू क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है, तो उस सेंस में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आई नो आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हो जिनको थोड़ा सा इम्पेशंस हो रहा है कि सर ये जल्दी से कवर करके एक बार ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे मूव करते हैं। तो आपको मैं बस एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा कि कभी अगर आपको एक पेड़ काटने का टास्क दिया जाए और आपको 6 घंटे दिए जाए, तो आपको उनमें से 4 घंटे अपना जो एक्स है, कुल्हाड़ी या जो भी फावड़ा बोल लो, उसको शार्पन करने में लगाना चाहिए। तो हम भी एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पढ़ना इज इक्विवेलेंट टू वो पेड़ काटना, और सेल्फ अटेंशन के ऊपर ज़्यादा मेहनत करना इज इक्विवेलेंट टू अपना एक्स शार्पन करना। सो ट्रस्ट मी, अगर मैं यहाँ पे 4-5 वीडियोज़ बना रहा हूँ, इट विल एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर मच बेटर, ठीक है? तो डोंट गेट इम्पेशेंट, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑन सेल्फ अटेंशन। इसके बाद विल हैव वन मोर वीडियो ऑन मल्टी हेड अटेंशन, विल कवर वन मोर थिंग कॉल्ड पोजिशनल एनकोडिंग, और उसके बाद विल मूव ऑन टू ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर। सो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट, दिस वीडियो इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेल्फ अटेंशन को सेल्फ क्यों बुलाया जाता है? अगर आपको ये बात समझनी है ना, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ अटेंशन अटेंशन क्यों है। अगर आप इसको कंपेयर करो बाकी के अटेंशन्स के साथ जो आपने अभी तक पढ़े हैं, जैसे कि बाहडनाओ या फिर लुओंग, तो आपको सबसे पहले ये रियलाइज होगा कि सेल्फ अटेंशन इन दोनों से तो काफ़ी अलग है। एंड इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट टाइम सेल्फ अटेंशन पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आया कि सेल्फ अटेंशन अटेंशन कैसे हुआ, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि सेल्फ अटेंशन अटेंशन मैकेनिज्म कैसे कहलाता है। और फिर जब आपको एक बार ये बात समझ में आ जाएगी, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इसको हम सेल्फ क्यों बुलाते हैं, ठीक है? तो दिस इज आवर प्लान ऑफ एक्शन। अब सेल्फ अटेंशन अटेंशन क्यों कहलाता है ये समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं और एक रीकैप लेते हैं अटेंशन मैकेनिज्म का, जो हमने कुछ 5-6 वीडियोस पहले पढ़ा था। अब रीकैप देने के पहले मैं एक चीज बस बताना चाहता हूं आपको। आई रियली होप आप लोग बोर नहीं होते हो जब मैं आपको रीकैप देता हूं, क्योंकि मेरे रीकैप देने का तरीका थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड होता है। मैं रीकैप में भी काफी कुछ दोहराता हूं, तो आई रियली होप आप बोर नहीं होते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि रीकैप बार बार देने से स्टूडेंट के दिमाग में बात बैठ जाती है, ठीक है? यही सेम मैकेनिज्म एडवर्टीजमेंट्स में यूज करते हैं मार्केटिंग वाले बंदे, कितनी बार एड दिखाओ कि दिमाग से चिपक जाए। तो मैं भी वही करने की कोशिश करता हूँ, तो रियली होप आप इससे परेशान नहीं होते हो, ठीक है? तो एक रीकैप लेते हैं अटेंशन मैकेनिज्म का, कि अटेंशन मैकेनिज्म पिक्चर में कैसे आया। तो अगर आपको याद होगा, हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेशन का टास्क सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स डीप लर्निंग। मतलब हमें एक सेंटेंस दिया गया है इंग्लिश में और हमें उसका हिंदी ट्रांसलेशन बनाना है, और हमने ये डिस्कवर किया था कि इस तरह के टास्क को सॉल्व करने के लिए, सीक्वेंस टू सीक्वेंस टास्क को सॉल्व करने के लिए, वी शुड बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर, ठीक है? तो एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर में एक एनकोडर होता है और एक डिकोडर होता है, इन दोनों के अंदर LSTMs लगे होते हैं। अभी क्या होता है कि आप वर्ड बाय वर्ड बेसिस पे अपना सेंटेंस एनकोडर को फीड कराते हो। एनकोडर क्या करता है, आपके सेंटेंस को प्रोसेस करता है और एक हिडन स्टेट मेंटेन करता है। जैसे यहां से H0 है, यहां से H1 है, यहां से H2 है, यहां से H3 है, और फाइनली पूरा सेंटेंस देखने के बाद H4 है। तो इसी H4 को हम लोग कॉन्टेक्स्ट वेक्टर भी बुलाते हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो भी इस सेंटेंस के अंदर था, हम समराइज करके डाल देते हैं, और फिर यही समरी हम भेजते हैं डिकोडर के पास। अब डिकोडर क्या करता है,
इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को उठाता है और स्टेप बाय स्टेप फैशन में आउटपुट हमें प्रिंट करके देता है। सबसे पहले लाइट, फिर बंद, फिर करो। अब ये अप्रोच अच्छा था, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस अप्रोच में कि आप अपने सेंटेंस को समझने का पूरा जिम्मेदारी इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर पे डाल रहे हो। ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर इज नथिंग बट जस्ट अ सेट ऑफ नंबर्स, राइट? बट अगर किसी तरीके से आपका ये इनपुट सेंटेंस बड़ा हो जाता है, 30 वर्ड्स से भी ज्यादा हो जाता है, इन दैट केस आप इफेक्टिवली अपने सेंटेंस को समराइज करके इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में नहीं डाल पाते, बिकॉज आफ्टर ऑल कितना ही इंफॉर्मेशन हैंडल कर पाएंगे ये कुछ सेट ऑफ नंबर्स, राइट? तो फिर रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि अगर आप ग्रेटर देन 30 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस भेज रहे हो इस सिस्टम में, तो जो ट्रांसलेशन का क्वालिटी है वो खराब हो जा रहा है, ठीक है? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अटेंशन मैकेनिज्म आया। अटेंशन मैकेनिज्म एक सिंपल सी बात बोलता है कि इस पूरे सेंटेंस को देखने के बाद उसकी समरी सिर्फ एक ही वेक्टर में डाल करके डीकोडर में भेजने से अच्छा होगा अगर आप डीकोडर के हर टाइम स्टेप पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट वेक्टर्स भेजो। यहां पर हम सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर भेज रहे हैं और ये सारे टाइम स्टेप्स उसी कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को यूज कर रहे हैं। अटेंशन मैकेनिज्म बोलता है कि इतना सिस्टम पे लोड डालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे काम करो, जब आप फर्स्ट वर्ड प्रिंट करने जा रहे हो तो फिर फर्स्ट वर्ड का अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट वेक्टर होगा और ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में ये इंफॉर्मेशन छुपा होगा कि इनमें से कौन सा इनपुट वर्ड यूजफुल होगा इस वर्ड को प्रिंट करने में, ठीक है? तो यहां पर जो हमारे हिडन स्टेट्स हैं इनकी हेल्प से हम ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनाते हैं। जैसे अगर हमें C1 बनाना है तो C1 का फॉर्मूला होता है α11H1 प्लस α12H2 प्लस α13H3 प्लस α14H4। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इन चारों हिडन स्टेट्स को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है? और इन सभी को हम एक वेट असाइन कर रहे हैं, α11, α12, α13, α14, और वही हमारा C1 होगा, ठीक है? और ये अल्फाज हमें ये बता रहे हैं कि इस करंट वर्ड को प्रिंट करने के लिए कौन सा इनपुट हिडन स्टेट सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। अगर α11 सबसे ज्यादा है तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि लाइट को प्रिंट कराने के लिए ये पर्टिकुलर वर्ड सबसे ज्यादा यूजफुल है, ठीक है? सिमिलरली जब आप बंद को प्रिंट कराने जाओ तो इसका अपना कॉन्टेक्स्ट वेक्टर होगा C2, और C2 कैसे निकलेगा, C2 के अपने अलग वेट्स होंगे, α21H1, α22H2, α23H3, α24H4, फिर करो के अपने होंगे, एंड के अपने होंगे, ठीक है? अब सबसे बड़ा जो सवाल आया था वो ये था कि ये अल्फाज कैलकुलेट कैसे होंगे, कितने अल्फाज है बाय द वे यहां पर। अल्फाज बहुत सिंपल होंगे, जितने आपके आउटपुट सीक्वेंस में वर्ड्स हैं विच इज 4, और जितने आपके इनपुट सीक्वेंस में वर्ड्स हैं 4, तो 16 अल्फाज होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अल्फाज कैलकुलेट कैसे होते हैं। तो अल्फा आई जे कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि आप सॉफ्ट मैक्स ऑफ ई आई जे निकालते हो, ठीक है? सो बेसिकली फॉर एवरी अल्फा देर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग ई, फॉर α12 देर इज E12, फॉर α22 देर इज E22। अब ये E22 या ई आई जे को क्या बुलाया जाता है, इनको बुलाया जाता है अलाइनमेंट स्कोर, अलाइनमेंट स्कोर। और ये अलाइनमेंट स्कोर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, स्पेशली अगर आप बात करो लुओंग अटेंशन का, तो शायद आपको याद होगा लुओंग अटेंशन में ये ई आई जे कैलकुलेट करने का तरीका होता था कि आप डीकोडर का हिडन स्टेट लेते थे और उसको एनकोडर के हिडन स्टेट के साथ डॉट प्रोडक्ट करते थे। बेसिकली अगर यहां पे टाइम स्टेप
आई है और यहाँ पे टाइम स्टेप जे है, तो बेसिकली आप एस आई एच जे का डॉट प्रोडक्ट करते थे, इससे आपको मिल जाता था ई आई जे। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे आपको अगर E11 चाहिए तो वो आपको मिलेगा S1 H1 के डॉट प्रोडक्ट से, अगर आपको E12 चाहिए तो वो S1 H2 से मिलेगा, E13 चाहिए वो S1 H3 से मिलेगा, E14 चाहिए वो S1 H4 से मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सारे इक्वेशंस यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं तो हमारा सी आई सिग्मा एल्फा आई जे एच जे से बना है, बेसिकली इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया। अब ये एल्फा आई जेस क्या हैं, ये हैं आपके वेट्स। तो ये वेट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये वेट्स कैलकुलेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टमैक्स फंक्शन, और ये आप लगाते हो ई आई जे के ऊपर। अब ये ई आई जेस क्या हैं, ये आपके अलाइनमेंट स्कोर्स हैं, और ये अलाइनमेंट स्कोर्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, बाय परफॉर्मिंग द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एनकोडर हिडन स्टेट एंड डिकोडर हिडन स्टेट। तो यही तीन इक्वेशंस से मिल करके हमारा लुओंग अटेंशन बना है। आई होप मैंने आपको एक क्विक रिविजन दे दिया। अब अगर आपको थोड़ा ये फास्ट पेस लगा तो आई वुड रिकमेंड कि आप मेरे चैनल पे जाकर के ये वीडियो एक बार देख लो, बार्डेनाउ अटेंशन वर्सेस लुओंग अटेंशन, 52 मिनट्स का है। आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देख लो, ये सारी चीज मैंने समझा रखी है। 1.5 स्पीड पे देखना, जल्दी देख लोगे, बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को समझने के लिए, ठीक है। तो जो भी है, मैंने आपको एक क्विक रिकैप दिया अबाउट हाउ अटेंशन वर्क्स, ठीक है। अब हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कंपेयर करेंगे विथ सेल्फ अटेंशन और सिमिलैरिटीज ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। चलो अब समझते हैं कि सेल्फ अटेंशन कैसे सिमिलर है बार्डेनाउ या फिर लुओंग अटेंशन से। अब सेल्फ अटेंशन में सबसे पहली बात तो जब हमने सेल्फ अटेंशन पढ़ा तो वहां पे हमारे पास ना कोई डिकोडर था ना कोई एनकोडर था, हमारे पास बस क्या था, हमारे पास एक सेंटेंस था, टर्न ऑफ द लाइट्स, दैट्स इट। और हमें क्या करना था, हमें इस सेंटेंस से फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बेडिंग वेक्टर्स बनाने थे। ये तो बहुत आसान काम है, आप वर्ड टू वेक या फिर कोई और टेक्निक यूज कर सकते हो, और फिर इससे हमें कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग्स बनानी थी, यही हमने सीखा था, ठीक है। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं इस पूरे प्रोसेस को साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाऊंगा पिछले वाले प्रोसेस के साथ, और आप नोटिस करोगे कि दोनों बहुत सिमिलर हैं, एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली दोनों बहुत सिमिलर हैं, ठीक है। तो आप करते क्या थे ये कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग्स जनरेट करने के लिए, सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने अपने एम्बेडिंग वेक्टर्स से फॉर एवरी वर्ड 3 न्यू वेक्टर्स फॉर्म किए। पहला आपने बनाया क्यू टर्न, दूसरा आपने बनाया के टर्न, और तीसरा आपने बनाया वी टर्न फॉर योर वर्ड टर्न। फिर आप ऑफ के लिए भी 3 वेक्टर्स बनाओगे, आप द के लिए भी 3 वेक्टर्स बनाओगे, और आप लाइट्स के लिए भी 3 वेक्टर्स बनाओगे। अब आपको क्या करना है, हर वर्ड के लिए उसका कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग प्रिंट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप ये काम, देखो बहुत सिंपल है, मैं एक तरीके से इस पूरी चीज को लिखता हूं जिससे एवरीथिंग एवरीथिंग विल मेक सेंस। टर्न ऑफ द लाइट्स, और मैंने ये सेम सीक्वेंस यहां पे लिख दिया, टर्न ऑफ द लाइट्स। यहां पर हर वर्ड के नीचे मैं उसका क्वेरी वेक्टर लिख रहा हूं, क्यू टर्न, क्यू ऑफ, क्यू द, क्यू लाइट्स, और यहां पे हर वर्ड के लिए मैं उसका की वेक्टर लिख रहा हूं, के टर्न, के ऑफ,
के लाइट्स। अब मुझे क्या करना है, मेरा फोकस अभी इस फर्स्ट वर्ड के कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग को जनरेट करने पे है। आप ऐसे समझ सकते हो कि हम अभी डिकोडर के फर्स्ट टाइम स्टेप पे हैं और हमें इसके लिए ये C1 जनरेट करना है। अब ये Y10 आएगा कैसे? Y10 एक्चुअली होगा W11 टाइम्स V10 प्लस W12 टाइम्स V ऑफ प्लस W13 टाइम्स V द प्लस W14 टाइम्स V लाइट्स। ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलर टू दिस फॉर्मूला। तो अब हमारा फोकस होना चाहिए ये W11, W12, W13 और W14 निकालने में। तो ये आएगा कहां से? ये आएगा एक्चुअली जब आप सॉफ्ट मैक्स करोगे किस चीज का, S11 का या S12 का या S13 का या S14 का, काइंड ऑफ लाइक दिस। अब ये S11, S12, S13, S14 कैसे आएगा? बहुत सिंपल है, जब आप Q टर्न को K टर्न के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे आपको S11 मिलेगा, जब आप Q टर्न को K ऑफ के साथ करोगे तो S12 मिलेगा, जब Q टर्न को S द के साथ में करोगे तो S13 मिलेगा, और जब आप इसको इससे करोगे तो आपको S14 मिलेगा। जैसे ही आपको ये सब कुछ मिल गया, ये चारों मिल गए, तो आप इनके ऊपर सॉफ्ट मैक्स लगा दोगे। इससे आपको W11, W12, W13, W14 मिल गया। ये V टर्न, V ऑफ, V द, V लाइट था आपके पास, तो ये वेटेड सम करके आपको Y टर्न मिल गया। तो इन अ वे आपको ये C1 मिल गया। अब आप अगले वाले के पास जाओगे, आपको C2 निकालना है। जैसे यहां पर आपके लिए अगला गोल हो जाएगा Y ऑफ निकालना, तो फिर से क्या करोगे, चीजें रिपीट करोगे। आपको क्या करना है, Q ऑफ के टर्न का सिमिलैरिटी निकालना है, ये चारों सिमिलैरिटीज निकालनी है। इससे आपको मिल जाएगा S21, S22, S23, S24। इसके ऊपर आप सॉफ्ट मैक्स लगा दो, इससे आपको मिल जाएगा W21, आई एम सॉरी, या W21, W22, W23, W24, और इनका वेटेड सम करके आप V टर्न, V ऑफ, V द और V लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको Y ऑफ मिल जाएगा, काइंड ऑफ लाइक C2। तो इन अ वे अगर आप समझने की कोशिश करो तो एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है। इस जगह पे, यहां पर ये जो आपके एचेज हैं उसके भी पहले, यहां पर ये जो S1, S2, S3, S4 हैं, ये इधर आपका क्वेरी है, क्योंकि आप जब इधर पहुंच रहे हो तो ही तो आपको ये रिक्वायरमेंट आ रहा है ना, कि आप जानना चाह रहे हो कि इस लाइट को प्रिंट करने के लिए इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो ये वाला चीज क्वेरी कर रहा है, तो यहां से हम क्वेरी कर रहे हैं, और ये कीज हैं H1, H2, H3, H4, ये कीज हैं, जैसे यहां पर कीज हैं, इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, उससे हमें अलाइनमेंट स्कोर मिल रहा है, यहां पर सिमिलैरिटी स्कोर मिल रहा है, उसको हम सॉफ्ट मैक्स करके नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और फिर हम वेटेड सम निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे हम वेटेड सम निकाल दे रहे हैं ऑन द वी वेक्टर। लेट मी ड्रॉ द सिमिलैरिटीज आपके लॉन्ग अटेंशन और सेल्फ अटेंशन में। जो आपके डिकोडर के हिडन स्टेट्स हैं वो सेल्फ अटेंशन में क्वेरी का काम करते हैं, बिकॉज इन अ वे आप क्वेरी पूछ रहे हो। जो आपका यहाँ वाला हिडन स्टेट है HJ, वो सेल्फ अटेंशन में की का काम करता है, आंसर करके बताता है कि सिमिलैरिटी इतना है। और फाइनली यही HJs ऑल्सो एक्ट एज वैल्यू, यहाँ पे V वेक्टर और यहाँ पे H वेक्टर आर सेम, बट एसेंशियली यही तीन ऑपरेशन तो हो रहे हैं सेल्फ अटेंशन में भी, एंड दैट इज वाई आप सेल्फ अटेंशन को अटेंशन बुलाते हो, वो अटेंशन मैकेनिज्म ही है। ठीक है, क्योंकि एसेंशियली आप सेम चीज कर रहे हो। अब लास्ट चीज इस वीडियो का जो टॉपिक है कि हम क्यों सेल्फ बुलाते हैं, आई गेस अभी तक आपको समझ में आ गया होगा।
ये जो अटेंशन है, लुओंग अटेंशन, ये आप कैलकुलेट करते हो बिटवीन टू डिफरेंट सीक्वेंसेस। यहां पर एक इंग्लिश सेंटेंस है या इंग्लिश सीक्वेंस है, और यहां पर एक हिंदी सेंटेंस या हिंदी सीक्वेंस है। सो बेसिकली आप यहां पर इंटर सीक्वेंस अटेंशन मैकेनिज्म यूज कर रहे हो, दो सीक्वेंसेस के बीच का अटेंशन मैकेनिज्म आप कैलकुलेट कर रहे हो। बट यहां पर नोटिस करो, आपका इधर जो सेंटेंस है और इधर जो सेंटेंस है, ये दोनों सेम ही तो हैं। तो इन अ वे दिस इज लाइक इंट्रा सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस के बीच में आप अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हो, एंड दैट इज वाई वी कॉल इट सेल्फ अटेंशन। ठीक है, तो बहुत घुमा करके हमने कान पकड़ा, बट हमने दो चीजें डिटेल में डिस्कस की। पहला ये कि सेल्फ अटेंशन अटेंशन मैकेनिज्म क्यों है, जबकि यहां पर ना एनकोडर की बात हो रही है ना डिकोडर की बात हो रही है, काफी अलग दिखाई दे रहा है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंपेयर करो विथ लुओंग अटेंशन या फिर बांडेनाउ अटेंशन। बट ये अटेंशन इसलिए है बिकॉज जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो एग्जैक्टली सेम है, हम वही तीन इक्वेशंस को रीयूज कर रहे हैं इन अ डिफरेंट सेटिंग, तो है तो ये अटेंशन ही। अब बात आती है कि हम इसको सेल्फ क्यों बुलाते हैं, तो सेल्फ हम इसलिए बुलाते हैं बिकॉज बाकी के जो अटेंशन हमने अभी तक पढ़े थे वो सारे अटेंशन दो अलग सीक्वेंसेस के बीच में अलाइनमेंट स्कोर्स कैलकुलेट करते थे, अटेंशन मैकेनिज्म अप्लाई करते थे। वेयर एज सेल्फ अटेंशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ अटेंशन है जहां पर आप जो अलाइनमेंट स्कोर्स हैं या सिमिलैरिटी स्कोर्स हैं वो आप सेम सीक्वेंस के बीच कैलकुलेट करते हो, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट सेल्फ अटेंशन। सो विद दैट हमने काफी डिटेल में 5 वीडियोस में बहुत मन लगा करके सेल्फ अटेंशन की पढ़ाई की, एंड आई ट्रूली बिलीव कि अगर आपने ये 5ों वीडियोस देख लिए हैं तो आपको सेल्फ अटेंशन का बहुत डीप नॉलेज हो जाएगा। और आगे अब जब हम आगे के टॉपिक्स करेंगे, मल्टी हेड अटेंशन, पोजिशनल एनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, उन सभी जगहों पे आपको ये नॉलेज बहुत काम आने वाला है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।